नमस्कार, हमारी खास पेशकश शख्सियत में आपका स्वागत है और मैं हूँ आपके साथ अनन्या चतुर्वेदी। बात हम करते हैं हर शख्सियत के कार्यक्रम में एक ऐसी शख्सियत से जो कि अपने जीवन में कई सारे अनुभव लेके बैठे होते हैं और साथ ही उनके अनुभवों से ना सिर्फ हम बल्कि आप भी बहुत कुछ सीखते हैं। तो आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर मेधावी चौरे जो कि एक साइकोलॉजिस्ट हैं, साथ ही उनका बहुत सारे प्रोफेशन भी हैं। तो मैम, आपके प्रोफेशन के बारे में आप खुद से जाना बताएं ज्यादा बेटर रहेगा। ओके, सबसे पहले सभी को मेरा नमस्कार और जय हिंद। मेरा नाम डॉक्टर मेधावी चौरे है, जैसे अनन्या ने बताया है, और मैंने एमफिल किया है साइकोलॉजी में, पीएचडी किया है इंग्लिश लिटरेचर में और एमबीए किया है एचआर में, और अभी मैं परस्यू कर रही हूँ पीजी डिप्लोमा इन गाइडेंस एंड काउंसलिंग बरकतुल्ला यूनिवर्सिटी से। सो बेसिकली मैं एक ट्रेनर हूँ और मैं ट्रेनिंग्स देती हूँ। फ्लेज है एक इंस्टीट्यूट जहाँ पे हम स्टूडेंट्स को ट्रेन करते हैं ताकि वो एयर हॉस्टेस और फ्लाइट स्टूवर्ड्स बन पाएं। हम उनकी ग्रूमिंग करते हैं, हम उनकी कम्युनिकेशन स्किल्स में उनको हेल्प करते हैं ताकि फिटनेस आ जाए और वो प्रिपेयर हो जाएं एयरक्राफ्ट ज्वाइन करने के लिए, एविएशन ज्वाइन करने के लिए। फिर मैं IHM के साथ एसोसिएटेड हूँ, आई एम अ विजिटिंग फैकल्टी, वहाँ पे मैं कम्युनिकेशन स्किल्स की क्लासेस लेती हूँ और वहाँ पे भी हम लोग ट्रेन करते हैं स्टूडेंट्स को ताकि वो हॉस्पिटैलिटी से होटल्स ज्वाइन कर पाएं। एंड मैं एसोसिएटेड हूँ MP टूरिज्म के कॉलेज से भी, MPIHSS, सेम है वह प्रोसीजर वहाँ पे मैं ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर भी लेती हूँ स्टूडेंट्स का एंड ऑफ कोर्स इंग्लिश एंड कम्युनिकेशन स्किल्स। ओके मैम, तो इतनी सारी चीजें, अगर मैम यहाँ पे आपकी पढ़ाई से शुरुआत की जाए तो आपकी पढ़ाई कैसे हुई, कहाँ से हुई, किस तरीके से बचपन बीता? मेरे फादर ट्रांसफरेबल जॉब में थे, मिस्टर HL जोशी, तो हमारा हर 2 या 3 साल में ट्रांसफर होता था, तो हर स्टेट के और सेंट्रल सर्विस में थे तो नेचुरली बहुत सारे स्टेट्स हमने घूम घूम के पढ़ाई कंप्लीट की। और उसके बाद लास्ट स्टडीज मेरी हुई सेंट जोसेफ कॉन्वेंट पटना से, जहाँ पे मैंने अपना 9th और 10th ICSE किया। एंड फिर मैंने विमेंस कॉलेज ज्वाइन किया इंटरमीडिएट के लिए, जहाँ पर मैंने अपना 1 साल बिताया विमेंस कॉलेज का। और ऐसा कहा जाता है कि अगर आप हिंदुस्तान में घूमकर देखें तो इतना सुंदर कॉलेज कहीं नहीं मिलेगा आपको, तो मैं फॉर्चुनेट थी कि मैंने इतने सारे स्कूल्स और कॉलेजेस देखे। मैम, इतनी सारी जगह घूमने से मैं यही बात बोलती हूँ हमेशा कि जब आप बहुत सारी चीजें देख लेते हो तो आपके पास एक एक्सपीरियंस होता है, आपके पास एक कंपेयर करने के लिए कोई ऑप्शन भी होता है। तो इतने अलग अलग जगह जाने से, इतने अलग अलग जगह पढ़ने से क्या आपको डिफरेंस लगा चीजों में और कैसे अलग अलग जगहों से कुछ सीखा आपने? देखिए, अलग अलग जाने जगह जब आपकी फादर की पोस्टिंग होती है तो क्या होता है कि आपकी आपको अडाप्ट करने में बहुत ईजी हो जाता है, आप बहुत जल्दी जल्दी एडजस्ट करते हैं, खान पान के साथ एडजस्टमेंट करते हैं, मौसम के साथ एडजस्टमेंट करते हैं, लोगों के साथ एडजस्ट करते हैं। तो देखिए, एडजस्टमेंट और अडेप्टेबिलिटी बहुत जल्दी आती है, और अलग अलग सभी जिन 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 प्रांतों में हम घूमें तो ट्रस्ट मी, सभी प्रांतों की अपनी अलग विशेषताएं हैं। और कई बार मैं ऐसे बोलती हूँ कि मैं आई एम अ बिहारी एट हार्ट, तो बिहार बहुत ही पसंद आया हमें, और बिहार की तहजीब और बिहार का खाना लिट्टी चोखा और बिहार के लोग और बोलने का तरीका हैज ऑलवेज मतलब मेरे जहन में एक अमित छाप छोड़ी है बिहार ने। ओके मैम, यहाँ पे अगर देखिए तो आपकी हॉबीज के बारे में क्या कुछ है, मतलब क्या कुछ आपकी हॉबीज हैं, कैसी आपकी हॉबीज रही हैं अभी तक की? साथ ही वक्त के साथ होता है कि लोग बात कैसे ऐसी भी अडाप्ट कर लेते हैं, तो वक्त के साथ आपकी हॉबीज क्या चेंज हुई है ऐसी? हॉबीज पढ़ने का बहुत शौक है मुझे शुरू से, लिखने का शौक है, मैं पोएम्स लिखती हूँ, मेरी एक बुक ऑफ पोएम्स पब्लिश हुई है, इट इज अनस्पोकन साइलेंसेस, और मैं बहुत सारे आर्टिकल्स लिखे हैं अलग अलग न्यूज़पेपर्स में, और मैंने अपने बुक फादर की बुक बायोग्राफी पेन डाउन की है, माय फादर माय सुपर हीरो। और मुझे कुकिंग का भी बहुत शौक है, सो कुकिंग इज अ पैशन फॉर मी, एंड टीचिंग ऑफ कोर्स इज अ पैशन फॉर मी, और घूमने फिरने का बहुत शौक है हमको, तो हम लोग बहुत घूमते हैं इंडिया में भी और बाहर भी। मैम, अगर हम इस वक्त की बात करें कोरोना काल की, तो कोरोना काल में बहुत सारी चीजें चेंज हुई हैं, ऐसे में लोगों पे इफेक्ट भी बहुत सारा पड़ा है, तो कोरोना के टाइम पे क्या कुछ आपने एक्सपीरियंस किया, साथ ही उसके बाद आफ्टर कोरोना पैंडेमिक क्या एक्सपीरियंस आप कर रही हैं? देखिए, कोरोना काल में आपने नोटिस किया होगा सभी बहुत लो फील कर रहे थे, जिससे बात कीजिए वो बोलते थे कि हमको बहुत डिप्रेशन हो रहा है, सेम हियर, मुझे भी बहुत डिप्रेशन हो रहा था। एंड मेरे बेटे ने मुझे सजेस्ट किया कि आप इतना खाना बनाती हैं
तो क्यों आप ऐसा नहीं करते हैं कि YouTube पे अपना चैनल शुरू कीजिए? बहुत मोटिवेट किया उसने, तो उसके मोटिवेशन पे मैंने ये फूड चैनल स्टार्ट किया डॉक्टर मेधावीज किचन, जिसमें मैं ट्राई करती हूँ कि ज्यादा ट्रेडिशनल चीजें बनाकर बताऊं, जो कि मतलब नेचुरली थोड़ा ज्यादा टाइम लगता है जिनको बनाने में, और जो हम भूल रहे हैं या भूल चुके हैं। ओके मैम, ये बात मैं आपसे पूछने वाली थी कि जिस खाने की हम बात कर रहे हैं, इंडियन ट्रेडिशनल कुजीन, इतना ज्यादा वाइड वैरायटीज है हमारे कुजीन में, लेकिन आज के वक्त में लोग बाग इंडियन को छोड़कर सारी बाकी की डिशेज जो है खाना पसंद करते हैं, लेकिन आजकल लोगों को देखा जाए तो वही 2 मिनट उन्हें चाहिए हर चीज रेडी, कि 2 मिनट में सब कुछ रेडी हो जाए और उसका हम लोग खा लें, लेकिन मेहनत जो उसमें खाने में होती थी, जैसे कि बाजरा ज्वार की रोटी हो गई, दाल बाटी हो गई, दाल वापले हो गए, तो इन सभी के स्वाद जो है कहीं ना कहीं थाली में से गायब हो गए हैं। तो एक खाने के लिए मेहनत, उसका प्रोसेस और साथ ही उसको एंजॉय करके खाना, सर्विंग करना, लोगों को खिलाना, ये कितना जरूरी है आज के टाइम में? देखिए, बहुत जरूरी है। और आपको एक और चीज बताती हूँ कि अगर आप कुकिंग करते हैं तो कुकिंग बहुत बढ़िया स्ट्रेस बस्टर है, तनाव बहुत कम होता है आपके कुकिंग करने से, और आप एक्सपीरियंस करेंगे कि जब भी हम खाना बहुत अच्छे से बनाते, देखिए खाना का एक थंब रूल है कि अगर आप खाना प्यार से बनाते हैं तो खाना बहुत अच्छा बनता है, ठीक है। अगर हम कभी ऐसा सोचते हैं कि काम निपटा रहे हैं तो जरूर एक क्वेश्चन मार्क लगता है और टेस्ट वो नहीं आता है। और जो आप कह रहे हैं, यस, हमारे ट्रेडिशनल डिशेस में हमें टाइम ज्यादा लगता है, लेकिन अगर देखिए क्या होता है, अगर आप पहले से तैयारी करके कोई चीजों की रख लेते हैं और उसको आप 2 या 3 में स्प्लिट कर लेते हैं, कि आप पहले से, भाई आपको जो बनाना है आप पहले से चॉपिंग वॉपिंग सब काट करके रख लीजिए, पहले से तैयारी करके रख लीजिए, सिस्टमैटिकली आप करते हैं तो आपको कुकिंग में उतना टाइम नहीं लगता है जितना आप सोचते हैं। बिल्कुल मैम, अगर अब ग्रूमिंग की बात कर रहे हैं यहाँ पर हम, तो पर्सनैलिटी डेवलपमेंट एक ऐसा सब्जेक्ट है जो कि आजकल हर कोई अलग से क्लासेस लेता है, लेकिन पर्सनैलिटी डेवलपमेंट करने के लिए कोई क्या कर सकता है शुरुआत से? क्या स्कूल में या फिर कॉलेज में कुछ होना चाहिए क्लासेस के लिए? क्या एक्स्ट्रा कुछ ध्यान देना पड़ता है इसमें? और अगर कोई चाहता भी है, जैसे कि कई बच्चे होते हैं हमारे जैसे बच्चे होते हैं आप जैसे, कि जो हम लोग बचपन से जो है एक नॉर्मल माहौल में पढ़े बड़े हैं, मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं, तो कहीं ना कहीं घर में, काम में, जॉब में इतना वक्त नहीं मिलता है कि हम चीजों को अपने अंदर इतना एक्सप्लोर कर पाए कि हमें क्या पसंद है, क्या एक्चुअली में ट्रेंड में है, ये चीजें हमें समझ पाए। और लड़कियों के लिए खास कर चीजें होती है कि उन्हें नहीं पता होता है बहुतों को आज भी, कि वो शॉपिंग करने जाती जरूर है लेकिन वो नहीं ला पाती जो उन्हें एक्चुअल में चाहिए, वो उठा के ले आते हैं जो हमें कहीं ना कहीं पसंद आता है लेकिन बाद में फिर पछताते हैं कि नहीं ये चीज अच्छी नहीं। तो अपनी चॉइसेस को कैसे डेवलप किया जाए, ट्रेंड में कैसे रहा जाए, साथ ही ग्रूमिंग कितनी जरूरी है आज के वक्त में? देखिए, आपने सुना ही होगा दैट फर्स्ट इम्प्रेशन इज द लास्ट इम्प्रेशन, तो ग्रूमिंग बहुत इम्पोर्टेंट है। जैसे ही आप किसी भी रूम में एंटर करते हैं, आपकी पर्सनालिटी के बारे में जजमेंट्स होने लगते हैं, हम भी करते हैं वही चीज, कोई आता है हम देखते हैं किस तरह से कपड़े पहने हैं, किस तरह से चलते हैं, किस तरह से उठते हैं, बैठते हैं। तो आप ये देखिए, ग्रूमिंग बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। हम बहुत सारी बुक्स सिर्फ कवर्स देके खरीदते हैं, हालांकि हम कहा जाता है कि नेवर जज अ बुक बाय इट्स कवर, लेकिन हाँ, पहला इंप्रेशन जो होता है वो हमारी ग्रूमिंग से ही पड़ता है लोगों पे। तो ग्रूमिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। और देखिए, सीखते तो हम दूसरे लोगों से ही हैं, वेरी नेचुरल, कहाँ से सीखेंगे, लेकिन उसको हमें ये देखना चाहिए कि क्या ये चीज हम पे सूट हो रही है या नहीं। आपको अपनी हाइट के हिसाब से, अपनी उम्र के हिसाब से, अपने स्किन टेक्सचर या कलर के हिसाब से, आप कहाँ पे जा रहे हैं उसके हिसाब से, ये सब चीजों को ध्यान में रखकर फिर आपको अपने चॉइसेस करनी चाहिए। जस्ट बिकॉज मूवीज में कैटरीना या दीपिका पादुकोण या आलिया भट्ट कुछ पहन रही है, डजंट मीन कि वो चीज आप पर भी सूट करेगा। तो इसलिए थोड़ा सा, और आपके फैमिली मेंबर्स हैं, आपके फ्रेंड्स हैं जो आपको फीडबैक देते हैं, फीडबैक जरूर लीजिए कि क्या ये लगता है कि ये चीज मुझ पर अच्छी लग रही है। मिरर्स कभी झूठ नहीं बोलते हैं, आईना कभी झूठ नहीं बोलता, आईने के सामने खड़े होकर देखिए आप। फ्रेंड्स से सबसे फीडबैक लीजिए तो आपको पता चलेगा कि आप पे कौन सी चीज सूट करती है। ओके मैम, ये तो होगी फर्स्ट इंप्रेशन की बात। अगर यहाँ पे हम देखें तो एक सेल्फ कॉन्फिडेंस, एक अपने अंदर जो एक किसका ब्रेवनेस जो होती है, वो आजकल के बच्चों में या फिर आजकल के युवाओं में बहुत कम है, कहीं ना कहीं सहम जाते हैं, रिजर्व नेचर के होते जा रहे हैं दिन ब दिन लोग। तो ऐसे में अपने आप में कॉन्फिडेंस कैसे डेवलप किया जाए, साथ ही लोगों को फेस करने के लिए जो एटीट्यूड होना चाहिए वो पॉजिटिव एटीट्यूड कैसे डेवलप होगा? बहुत ही
इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पूछा है आपने अनन्या। देखिए होता क्या है, कॉन्फिडेंस कई बार हम इसको मिस्टेक कर लेते हैं कि कॉन्फिडेंस मतलब कि अगर हम अंग्रेजी बोल पाएंगे तो हमें कॉन्फिडेंस आ जाएगा। दिस इज नॉट ट्रू, ऐसा नहीं है। कॉन्फिडेंस आता है अगर आपके पास इंफॉर्मेशन है। सी, नॉलेज इज पावर, मनी इज नॉट पावर, नॉलेज इज पावर। तो अगर आपका ऊपर का माला भरा हुआ है तो आपको कॉन्फिडेंस आता है। इंफॉर्मेशन गैदर करिए, नॉलेज गैदर करिए, पढ़ाई कभी खत्म मत कीजिए। टेंथ किया है ट्वेल्थ कीजिए, ट्वेल्थ किया है ग्रेजुएशन कीजिए, ग्रेजुएशन किया पोस्ट ग्रेजुएशन, देयर इज नो एंड टू स्टडीज। पढ़ते जाइए, उससे बड़ा कॉन्फिडेंस आता है। अलग अलग लोगों से मिलिए, उनसे मिलके आपको कॉन्फिडेंस आता है। बहुत सारी चीजें आप सीखते हैं उनके बारे में, एनवायरमेंट है, उनका पहनावा है, उनका बोलचाल का तरीका है। तो आप देखिए और हमेशा अपने आंख कान और दिमाग खुले रखिए। क्लासरूम में हम कितना सिखा पाएंगे आपको, तो इन जब जब भी हम बाहर निकलते हैं तो आप ये सब चीजें देखिए, अपने आसपास क्या हो रहा है, आपको अवेयरनेस होनी चाहिए। तो इसलिए बुक्स पढ़िए, न्यूज़पेपर्स पढ़िए, टेलीविजन देखिए, टेलीविजन पर सही चैनल्स देखिए। तो इससे आप सब चीजें गैदर कर पाते हैं और कॉन्फिडेंस इसी से आता है। अनदर एस्पेक्ट इज पर्सनालिटी के ट्रेट जो हम बताते हैं, अगर आप सच बोलते हैं तो आप बहुत कॉन्फिडेंट होते हैं, अगर आप सही काम कर रहे हैं तो आप बहुत कॉन्फिडेंट होते हैं। देखिए कई बार स्टूडेंट्स भी पूछते हैं कि हमें कैसे पता चलेगा, हर जगह पे पेरेंट्स नहीं होते हैं, हर जगह पे टीचर नहीं होते, तो हमें पता कैसे चलेगा कि हम काम सही कर रहे हैं या नहीं। एक लिटमस पेपर टेस्ट होता था जो हम लैबोरेटरीज में करते थे स्कूल में, लैब्स में। तो आप देखिए लिटमस पेपर टेस्ट है आपके लिए। अभी अगर आपको जहां पर होना है, अगर अभी आप वहां पर हैं तो आप सही जगह पर हैं, और अगर आपको जहां पे नहीं होना है तो आप उसके अलावा कहीं भी हैं तो गलत जगह पे हैं। सिंपल, पढ़ाई के टाइम पे अगर आप स्कूल या कॉलेज में नहीं है तो आप गलत जगह पे हैं, राइट। फिर दूसरी चीज, हम वहां पर तो हैं जहां पे हमें होना चाहिए, लेकिन वो नहीं कर रहे जो करना चाहिए। आप स्कूल या कॉलेज में हैं लेकिन आप अपने मोबाइल्स पे लगे हुए हैं, सोशल मीडिया में एक्टिव हैं, आप इंस्टा पे हैं, आप यूट्यूब पे, यू आर डूइंग अ रॉन्ग थिंग, तो आप गलत चीज कर रहे हैं। तो इसलिए ये दो लिटमस टेस्ट हैं आपके लिए, जिससे जो आपको खुद ही आपको बताएंगे, और जब आप सही काम करते हैं तो कॉन्फिडेंस खुद ब खुद आता है। बिल्कुल मैम, कॉन्फिडेंस की बात हम यहाँ पे कर रहे हैं, लेकिन अगर आप यहाँ पे थोड़ा सा समाज के ऊपर ध्यान दें, तो आप काउंसलिंग करती हैं, ऐसे में क्या कुछ आपके अभी तक एक्सपीरियंस रहे हैं, आपका लाइफ का सबसे गुड एक्सपीरियंस और सबसे बैड एक्सपीरियंस? बैड एक्सपीरियंस तो मुझे याद नहीं है, बट हाँ आई हैव हैड प्लेंटी ऑफ गुड एक्सपीरियंसेस। बहुत देखिए सोसाइटी क्या है बेसिकली, जब हम समाज की बात करते हैं तो हम ही समाज हैं, हम भी उसका पार्ट हैं। तो नेचुरली अच्छे एक्सपीरियंसेस रहे हैं काउंसलिंग में, और बहुत सारे बच्चे बहुत सारे प्रॉब्लम्स लेके आते हैं या लोग प्रॉब्लम्स लेके आते हैं, तो उनको यही, देखिए हम उनको ये नहीं बताते हैं कि ये सॉल्यूशंस हैं, हम उनको बताते हैं कि देखिए आपको नहीं सबको ही ऐसे प्रॉब्लम्स होते हैं, और प्रॉब्लम्स हैं मतलब चैलेंजेस हैं, ताला है मतलब चाबी है, हम उल्टा बोलते हैं चाबी है इसलिए ताला बनाया गया है, राइट। तो हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है, बस ये है कि हमें उसका ढूंढना है, और आपका प्रॉब्लम है ना तो सॉल्यूशन भी आपके पास है। ओनली थिंग इज जिस डायरेक्शन में हम देख रहे थे या जो चश्मा हम लगा के देख रहे थे, शायद हमें दूसरा चश्मा लगाने की जरूरत है, और हमें इंट्रोस्पेक्शन करने की जरूरत है, अपने अंदर मन में झांक के देखिए कि क्या हो रहा है। सबके साथ ऐसी प्रॉब्लम्स होती हैं, तो हम उनको सक्षम बनाते हैं, सॉल्यूशंस नहीं देते हैं, हम उनको सक्षम बनाते हैं ताकि वो अपने प्रॉब्लम्स अभी भी सॉल्व कर सकें और फ्यूचर में भी सॉल्व कर सकें। ओके मैम, युवाओं में आजकल एक चीज देखी गई है कि हमारे जो कल्चर है, जो हमारे प्रिंसिपल्स हैं, हम उनसे बहुत दूर जा रहे हैं। क्या इसकी वजह सोशल मीडिया भी हो सकता है, बदलता जमाना भी हो सकता है, लेकिन एक वजह जो है बहुत बड़ी वजह यह है कि हम पश्चिमी सभ्यता, यानी कि हमारे जो यूरोपियन देशों की तरफ खिंचाव है, अट्रैक्शन है, वो बढ़ता जा रहा है, और इसको लेकर हम वो चीजें भूल गए हैं जो हमारे पास ऑलरेडी यहाँ पर कह सकते हैं कि विरासत में हमारे पास जो चीजें हैं हम उनको ध्यान नहीं दे रहे हैं। तो अपने कल्चर से, अपनी जमीन से दूर जाना इन बच्चों के लिए आगे